स्टूडेंट्स वेलकम बैक और मैं उमेश सर स्वागत करता हूँ आप सभी का एजुकेशनल चैनल मास्टर स्ट्रोक में। दोस्तों आज आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ उससे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होने वाला है। आज के क्लास में एपी का थ्योरी क्लास होगा और ये पूरा थ्योरी क्लास अगर आप समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज को यू डील कर लोगे, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट जो है वह थ्योरी क्लास में ही साइलेंट होता है, तो उसको अच्छे से समझेंगे। और साथ ही इतना बड़ा कॉन्सेप्ट को आप समझने के लिए देखने के लिए थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि अगला वीडियो का जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जी हाँ, जिसको एपी बोलते हैं, समांतर श्रेणी या श्रेणी बोलिए। तो आराम से स्टूडेंट समझना है कि एपी को समझने के लिए दो वर्ड जो आपको दिख रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। अगर इसको आप समझ लेंगे तो एपी ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। ध्यान से देखना सीक्वेंस क्या होता है। किसी भी नंबर का एक ऐसा लिस्ट, एक ऐसा सेट जो किसी पैटर्न को फॉलो करता है या किसी भी मैथमेटिकल रूल को फॉलो करता है, किसी भी मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग वर्क करता है या फिर कोई पैटर्न को अगर क्रिएट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। ध्यान देंगे, जैसा कि मैं उस एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर 2, 4, 6, 8 ये लिख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें जो है मतलब एक पैटर्न बन रहा है, एक मैथमेटिक्स रूल को यहाँ पर फॉलो कर रहा है कि अगर इसमें अगर मैं 2 ऐड कर देता हूँ तो 4 आ जाता है, अगर इसमें फिर 2 ऐड करते हैं तो 6 आ जाता है, अगर फिर इसमें 2 ऐड करते हैं तो 8 आ जाता है। तो इसमें एक पता चल गया कि 2-2 जो है इसमें इंक्रीज कर रहा है, यानी यह एक पैटर्न बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा तो आप समझ सकते हैं कि इसमें 2 फिर ऐड कर दिया जाते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरह के नंबर को, लिस्ट को या फिर किसी नंबर के सेट को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे 1, 4, 7, 10 आप ये देख पा रहे हैं, ये भी जो है एक मैथमेटिकल रूल को फॉलो करता है, ये भी एक पैटर्न को क्रिएट करता है, क्योंकि इसमें उसमें 2-2 इंक्रीज कर रहा था, इसमें 3-3 इंक्रीज कर रहा है। अब आपको हम कुछ ऐसी चीज बताते हैं जो सीक्वेंस है बट वह जो है वह अर्थमेटिक नहीं हो सकता है। कैसे, तो देखिए अगर मैं 1 बना रहा हूँ, 4 है, यहाँ से 9 है, यहाँ से 16 है, ये भी एक मैथमेटिकल्स रूल को फॉलो करता है, क्योंकि यह 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है। बट आप देखेंगे कि ये भी, इसको भी हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे, ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस और ये भी सीक्वेंस है। तो किस तरह के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एपी बोल सकते हैं, इसको समझना है। चलिए तो सीक्वेंस समझ गए। सीक्वेंस किसी भी नंबर का एक ऐसा सेट होता है, किसी भी नंबर का एक ऐसा लिस्ट होता है जो किसी भी मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग वर्क करता है या फिर वह एक पैटर्न को क्रिएट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। बट आप एक और चीज समझना है, सीरीज, आपका एक नंबर का ये भी आता है तो बच्चे क्या करते हैं कि इस तरीके से कॉमा लगा करके और सीरीज को लिखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। सीरीज का मतलब होता है प्लस, सम ऑफ टर्म, यानी इसमें जो भी नंबर से सारे को अगर ऐड करके जो हमारा सम आता है, योगफल आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सीरीज बोलेंगे। इस तरीका से याद रखेंगे, आप एपी में सीरीज वाले भी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सीक्वेंस और सीरीज क्लियर हो गया। तो अब ये समझना है कि किस तरह के सीक्वेंस को हम लोग एपी बोलेंगे। तो याद रखेंगे, जिस एपी का nth टर्म, जिसको लास्ट टर्म बोलते हैं, जिसको निकाल सकते हैं,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आते, एक चीज और बताता हूं मैं, खूब अच्छी तरीके समझ लेना कि ये दो फर्स्ट टर्म कितने हैं इसमें, फर्स्ट टर्म दो है और सेकेंड टर्म यानी पहला पद दो है, दूसरा पद चार है, तीसरा पद छ है और चौथा पद आठ है। अगर आप देखेंगे कि दो पदों में जो अंतर है अगर वह इक्वल आ रहा है, हमेशा समान आ रहा है, एक जैसा है, तो उस तरह के सीक्वेंस को हम लोग एपी कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान देंगे, जैसे यहां पर फोर और टू में टू का डिफरेंट है, इसमें भी टू का डिफरेंट है, फोर और सिक्स में, टू और एट में भी टू का डिफरेंस है। ऐसे भी कह सकते हैं समय प्लस टू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर सेम टू टू इंक्रीज कर रहा है ना, कहीं पे ऐसा नहीं हो रहा है कि फर्स्ट बार में टू है, कभी थ्री आ रहा है, कभी फाइव आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग डिफिनिट तौर पर एपी कहेंगे। अब देखिए दूसरा सीक्वेंस को देख रहा है कि ध्यान देना है कि इसमें इसमें प्रत्येक का अंतर जो है, इसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, जस्ट जो आगे का टर्म उसमें से जस्ट पीछे वाले टर्म को माइनस कर देंगे, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद। तो चार में से एक गया तीन, सात में से चार गया तीन, दस में से सात गया तीन। हर बार इसका भी जो डिफरेंस है वह कॉमन आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन यानी समान एक जैसा आ रहा है। तो ये सीरीज को भी हम लोग क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। बट ये देखिए, ये भी एक सीरीज था, ये भी एक मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग वर्क करता है और एक पैटर्न को क्रिएट करता था, बट इस सीक्वेंस को हम एपी नहीं कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर मैं प्रत्येक टर्म का जो डिफरेंस निकालते हैं तो वो अलग अलग रहा। जैसे कि वन और फोर में थ्री का डिफरेंस है, और फोर और नाइन में फाइव का डिफरेंस है, और फाइव और सिक्सटीन में सेवन का डिफरेंस है। तो आप देख रहे हैं कि सबका जो कॉमन डिफरेंस है, सबका जो डिफरेंस है वह कॉमन नहीं आ रहा है, एक समान नहीं आ रहा है। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अब आपको मैं एक और चीज समझाने जा रहा हूँ, एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको जनरल फॉर्म बोलते हैं, उसको समझना। जैसे आई मीन कि ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, डॉट 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 एन, यानी कि एन एथ टर्म तक, लास्ट टर्म तक जाएंगे। कभी कभी देखिएगा कि अब इसको हम थोड़ा समझेंगे कि ए वन जो है एपी के प्रथम पद को, उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे इसको ए से। मैं अभी थोड़ा देर बाद इसको पूरा मैं लिखा दूंगा कि किस चीज को एपी में किससे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, फिर जो सर्व अंतर जो है सी डी आई मीन कॉमन डिफरेंस, उसको ऐड करते चले जाते हैं। तो इसमें अगर मैं डी ऐड कर दिया तो सेकेंड टर्म हो गया, फिर डी में एक और डी ऐड कर देंगे यानी कि ए प्लस टू डी, तो भी यह तीसरा टर्म हो गया। चौथा के लिए ए प्लस थ्री डी। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देने की बात है कि अगर ये दूसरा पद था, सेकेंड टर्म था, तो वन डी है, यहाँ पे वन साइलेंट है, थ्री डी है तो यहाँ पे टू डी है, 4D है यहाँ पे 3D है। तो आप इससे एक ऑब्जर्वेशन मिलता है, इसको देखने के बाद हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन आता है कि हमारा एपी का जो टर्म होता है वह उसका जो ए प्लस डी का जो पैटर्न होता है वह जिस टर्म की चर्चा थी उससे एक कम होता है। तो इस तरीके से यहाँ आप इसको लिख सकते हैं ए इंटू एन माइनस वन, इससे कम हो, है ना। तो इस तरीके से इसको समझना है, यही आपका एपी का जो होता है वह जनरल फॉर्म यानी कि मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, जनरल फॉर्म होता है। आइए अब आपको एपी का जो शॉर्ट कुछ जो अकॉर्डिंग है उसको हम लोग वर्क करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, बोर्ड को मिटाते हैं और फिर मैं कुछ और बातों को बताता हूँ। आइए अब कुछ शॉर्ट फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं पहले किसको किससे डिनोट करते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ही काम आने वाला है, इसको सब स्टूडेंट्स कॉपी भी कर लेंगे। प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। सार्व अंतर जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसको डी से
लेटर के स्मॉल से यूज करते हैं। अब पदों की संख्या ध्यान देंगे, पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म, कितना टर्म एपी में है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, इससे एन से। और एपी का जो लास्ट टर्म होगा, अंतिम पद होगा, अंतिम पद लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं उसको हम लोग एल से या फिर ए एन से, लिखने के इस तरीके का तरीके हैं, एल से या फिर ए एन से, ये सारे काम आने वाले चीज है। ये सारे शॉर्ट फॉर्म किससे किसको डिनोट करते हैं, क्योंकि कहीं भी ये सब नहीं लिखा गया ए डी एन ए एल, ये सब लिखाएंगे। और इसमें एक और चीज समझना है, एपी के जो जितने टर्म है उसको ऐड करने पर, जैसे कि मैंने सीरीज के बारे में बताया था, सम ऑफ टर्म्स, उसको कुल पदों का योग, कुल पदों का योग को जो हम लोग, कुल पदों को योग को जो हम लोग क्या करते हैं, वो सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स, इसको हम लोग जो है इस एन से डिनोट करते हैं। चलिए, तो ये स्टूडेंट्स कॉपी कर लेंगे आप, और इसके बाद आपको मैं तीन फॉर्मूले बताऊंगा, और ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले है जिस पर पूरा त्रिकोणमिति जो है इसमें वर्क करता है। तो आइए अब वो तीनों फॉर्मूलों को एक बार मैं फिर से देखता हूँ, ताकि आपको पूरा पूरा एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आइए कुछ बेसिक फॉर्मूले को समझते हैं, यानी तीन फॉर्मूले इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही कुछ और फॉर्मूले बताएंगे। तो ध्यान देंगे, मेरा पहला फॉर्मूला जो होगा वह एन का होगा, एन का एपी के एनएथ टर्म, लास्ट टर्म को कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला। तो एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे तो लास्ट टर्म एन फाइंड होता ही है, इस फॉर्मूले की मदद से आप फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या और कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर भी फाइंड कर सकते हो। तो एक फॉर्मूले की मदद से एक दो तीन चार चीज को आप पता कर सकते हैं, ये बहुत ही काम आने वाला है, इसको याद कर लेंगे। चलिए, एक और फॉर्मूला आपको हम बताने वाले हैं, वो है एस एन का, ठीक है ना, कि सम ऑफ टर्म्स, एपी के जितने भी टर्म्स है उसका योगफल क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका दो फॉर्मूले होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग फॉर्मूला और एक होता है शॉर्ट फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद में आपको ये क्लियर कर दूंगा कि किस फॉर्मूले को किस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, कब लॉन्ग वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना है, कब शॉर्ट वाले को। तो ये हमारा लॉन्ग फॉर्मूला है एन वाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा लॉन्ग फॉर्मूला है बराबर एन वाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसी का एक छोटा फॉर्मूला है एस एन का, एन वाई टू इंटू ए प्लस एल या एन वाई टू इंटू ए प्लस एन, जैसा कि मैं पहले बताया हूं कि लास्ट टर्म को एन या फिर एल दोनों से डिनोट करते हैं। अब आपको समझना है कि कब ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और कब ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, जब एपी के किसी भी सीरीज का सम फाइंड करना हो योगफल, तो ये दोनों फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। देखिएगा, कभी कभी एपी जो है वह एपी जो है मुख्यतः आपको दो टाइप से दिखेंगे, ध्यान दीजिए ये बहुत जरूरी है, जैसे दो चार छ आठ डॉट डॉट डॉट। अब इस एपी का जो एनएच टर्म लास्ट टर्म है, यस जो सीक्वेंस है कहाँ तक जाएगा इसका क्लियर नहीं है, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी, ठीक है ना, इनफाइनाइट अपरिमित एपी, यानी इसमें पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म जो है वो फिक्स नहीं है। ये हुआ, तो इस तरीके के एपी में जिसका लास्ट टर्म पता नहीं रहता है उसमें लॉन्ग फॉर्मूला अप्लाई करते, ध्यान देंगे ये वाले फॉर्मूला इस क्वेश्चन में। और कुछ एपी जो होते वो परिमित होते हैं, फाइनाइट एपी होते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20 डॉट 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 और 95। तो देख रहे हैं किसका एनएथ टर्म जो है लास्ट टर्म वह पता है, और इस क्वेश्चन में पता नहीं था, इस एपी में पता नहीं था लेकिन इसमें पता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप ये शॉर्ट वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा कि एपी दो टाइप्स के होते हैं, दो तरह के होते हैं, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट
एपी, ठीक है। अब कुछ और फॉर्मूले को हम बताते हैं, आइए ध्यान से वीडियो को बने रहिएगा। दोस्तों इस तरह के और एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप एजुकेशन को अच्छी तरह से समझ पाए। तो आइए एक दो इसमें और अब बेसिक थोड़ी सी और चीज़ बच गई है, जिसके सहायता से आप पूरा एपी को यूँ डील कर सकते हो। जैसे मैंने कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बता दिया था, तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ये क्या होता है। जैसे कि एपी का मान लो कि टेंथ टर्म फाइंड करना है, एपी का दसवां पद क्या होगा, तो इसके लिए हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस 90। जैसा कि आप शुरू में इस वीडियो को देखे होंगे कि एपी का अगर दसवां फाइंड करना है टर्म, तो ए प्लस और इससे कम कर देते हैं तो 90 हो जाएगा। इसी में अगर सपोज डेट बोले अगर एपी का 15 पता करो तो ए प्लस 14D। ये हमेशा याद रखिएगा, आपको क्वेश्चंस में रहता है कि किसी यदि किसी एपी का चौथा पद 10 हो, बारहवां पद अगर 17 हो, तो 31वां पद क्या होगा, तो 31वां पद क्या होगा, तो हमको जो है 31वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए ए प्लस 30D। तो इसकी तरीका इस से आपको एक ऑब्जर्वेशन मिलता है कि किसी भी एपी को टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर एपी का अगर मान के चलिए दूसरा पद हो, तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस डी। एपी का तीसरा पद हो तो ए प्लस 2D। अगर एपी का पांचवा पद हो तो ए प्लस 4D। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, एपी कहीं कुछ नहीं। इसी का अगर आप 11th 12th में जाइएगा तो एपी का और बड़ा रूप जीपी भी पढ़िएगा, एचपी भी होता है। तो आइए अगले क्लास में मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों।